पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। So what's up guys, welcome back to my channel। तो आज हम देखने वाले हैं निब्बा निब्बियों की प्रेम कहानी। So let's get entertained together and yes, don't forget to do and yes, don't forget to do like, share and subscribe कर दो यार। 3 लाख सारा पैसा कराई पर पहुंचा दो जल्दी से दना दन। वैसे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए, इतनी भी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए इंसान को, लेकिन मुझे अरे तो क्या करूं ना हूं। रिजेक्शन का क्या बोल रहा था आपको ये? मैं आपसे प्यार करता हूं बोल रहा था। हां तो आप क्या बोले उसको? मैं आपसे प्यार करता हूं बोल रहा था। कुछ नहीं बोले उसने, कुछ नहीं बोली। दिल टूट गया भाई का। गलत बात, हंसते नहीं है, दुख हुआ है भाई को। मैं तो टूट गया यार। एक मिनट रुक जाओ यार, निब्बा निब्बियों की वीडियो है ना, मेरे को हथियार निकालने दो अपना। No, God, please, no, no! टेड़े, 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 टेड़े। ज्यादा खुशी खुशी में गिर गया दोस्तों, हग दिया। नेक्स्ट। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ, बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तोला है। अरे मोहब्बत करना तो आजकल के नौजवानों का फैशन है। अच्छा। ये नहीं है जीवनलाल, सच तो ये है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की माँ बनने वाली। ओहो, इसमें कौन सी नई बात है, करवा दो शादी। और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो अबॉर्शन। दरअसल बात ये है जीवनलाल कि वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। आप कहाँ देगी आदि बाबा? इग्नोर करो। दूसरों को ज्ञान देने के लिए सब बैठ रहते हैं। मैं ज्ञान दूंगा, तू आ, क्या प्रॉब्लम है तेरी जिंदगी में? अच्छा ये इसका सॉल्यूशन ये रहा, तू ले। दूसरों को क्या ही बोलूं मैं, मेरे को खुद के जिंदगी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे भाई, मैं लोगों को ज्ञान बांट रही हूँ। सबके सब चोर हैं साले। ठीक उसी प्रकार ये चाचा कितने प्यार से समझा रहे थे, तो क्या हो गया? बच्चा है, मोहब्बत कर रहा है, ये वो फलान ढिमकान, वो लड़की तुम्हारी बेटी। दिल से बुरा लगता है, क्या हो गया? मजा नहीं आ रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। इक्वालिटी भाई साहब ये है। बेबी को बाबू नहीं उठा पा रहा तो क्या हो गया? बेबी तो बाबू को उठा सकती है ना। तुम्हारी चोरियां चोरों से कम है के? इश्क मोहब्बत प्यार इसी को कहते हैं दोस्तों, देख लो आप, क्योंकि आपके जीवन में तो है नहीं, तो दूसरे को ही करते हुए देख लो। साले तू तो मजा आता है मेरे को देख करके यार। नेक्स्ट। क्रश, आई वांट अ बॉयफ्रेंड हु कैन सिंग इंग्लिश सॉन्ग, मी। जो तुम ना हो। अच्छा। रिमिक्स इतना चल रहा है ना मार्केट में कि अब कौन सा गाना क्या है वो पता ही नहीं चलता भाई, किसी भी गाने का मिलन करा रहे हैं लोग। तो मेरे को लगा आगे हिंदी गाना आ गया होगा भाई, रिमिक्स गा रहा होगा लड़का हमारा। लेकिन ट्राई अच्छा किया भाई ने यार, ट्राई अच्छा किया, बट नहीं पड़ेगी क्रश इसकी। मगर क्यों? वैसे इस आशिक का गाना सुन के मेरे को याद आया कि Gaana.com के एक्स टॉप एग्जीक्यूटिव ने म्यूजिक NFTs का बढ़िया आइडिया लॉन्च किया है, जो कि आज के टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक NFT बन चुका है, जिसका नाम है फैन टाइगर, जिसमें बस आप कॉमन सेंस यूज करके कमा सकते हैं ठीक ठाक पैसे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में भी। अपने फोन या लैपटॉप पर टाइप कीजिए FANTIGER.com। ये एक म्यूजिक NFT वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे गाने जिन्हें आप खरीद सकते हो और पैसे
पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली आप इन सॉन्ग एनएफटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 30% तक का रिटर्न उठा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा, तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि इन एनएफटीज को खरीदो और कुछ समय के लिए अपने पास रखो, जैसे 2-3 साल के लिए। अब इन एनएफटीज से जो रिटर्न आएगी वो आपको देगी 5 गुना रिटर्न, विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑन मल्टीपल चैनल्स लाइक यूट्यूब, गाना, विंक एक्सेट्रा। दूसरा तरीका है इन एनएफटीज को कम दाम में खरीदो और ऊंचे दाम में बेच दो। जैसे कि ये सॉन्ग है जो लॉन्च हुआ था मात्र 99 रुपीज में और अभी इसका प्राइस है कुछ 137 रुपीज, जो हुआ लगभग 40% तक का रिटर्न, मतलब 2000 का सीधे 2800, जो आप कभी भी सेल करके अपने पैसे इंस्टेंट निकाल सकते हो। तो हो गई ना कमाई। और एक अंदर की बात बताऊं, आज एक सॉन्ग लॉन्च होने वाला है जिसको जल्दी से कम दाम पे खरीद लो। यही नहीं, इन सब के अलावा फैन टाइगर बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कॉन्सर्ट पासेस, आर्टिस्ट से मीट एंड ग्रीट, फ्री मर्चेंडाइज एक्सेट्रा। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से फैन टाइगर पे जाओ और 500 रुपीज का बोनस कमाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझको दर्द जिगर के। इनको दवा की जरूरत नहीं है और पढ़ाई की भी नहीं है, क्या बोलूँ मैं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स गाइस। ये तो 10 साल का भी नहीं लग रहा ठीक से मेरे को। कैप्शन भी लिखा हुआ है, अब दवा की जरूरत नहीं, लाल दिल लाल दिल लाल दिल लाल दिल। वैसे सही बोला, अब दवा की जरूरत इन्हें नहीं है लेकिन तुम्हें जहर की जरूरत पड़ सकती है इसे देख करके। कोई बात नहीं गाइज, एंड यू गाइज टेक दिस आयरन मैन वाली पेंसिल, इससे आप स्कूल जाएं, AEIOU के साउंड लिखें और क्लास में क्या होता है क्लास में अबे साले टॉप करें, क्लास में टॉप करें, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत नहीं, हमें जहर की जरूरत पड़ जाएगी आप लोग को ऐसा देखते देखते, समझिए आप हमारा कष्ट, समझिए आप। कंट्रोल क्या, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही कि आगे कोई हमें दिक्कत ना हो और ना ही हमें कोई कुछ कह सके, और मैं अपनी मर्जी से इसके साथ हूँ और इसके साथ ही रहूँगी। अच्छा। बस और कुछ भी हो जाए मुझे इसके साथ ही रहना। हमने घर भी रिश्ते की बात करी, जब कोई मानना ही नहीं तो बस हमने अब यही उठाया कि अब हम भाग्य हम इसीलिए कि अब हम दोनों शादी करेंगे और शादी करके साथ ही रहेंगे, और ना ही मुझे घर जाना, और अगर घर वाला कोई भी हमें कुछ कहेगा मैं बालिक हूँ। अच्छा। और बालिक को कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा। और मेरा पैन कार्ड भी बना हुआ, तो पैन कार्ड भी बना बालिक हो, और मैं घर जाऊंगी, इसे कुछ हो गया ना अगर तो बस फिर इसे कुछ ना होना चाहिए, ऐसा कुछ ना होना चाहिए, ना ही तो मुझे घर जाना अब कहीं भी, अब तुम शादी करेंगे बस, शादी करेंगे देख लो जैसा भी हो, ठीक है हमें तो शादी ही करनी, ठीक है समझ गया, नहीं तो मैं घर जा रही नहीं कहीं, ठीक है। मेरी मम्मी तो वैसे ही बहुत तेज है, मेरी एक बहन को भी मार दिया था वो तो मुझे भी मार देंगी। ओ बेटे, उनका तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं रख भी ले, हम तो शादी ही करेंगे बस। अच्छा ठीक है समझ गया, आप दोनों को शादी मुबारक हो। लड़का तो यूं ही बैठा हुआ, इसी को बोल लें दो, इसी को ज्यादा चढ़ी हुई थी शादी शादी की, मतलब अगर तुम्हारा पैन कार्ड बना हो तो तुम शादी कर लो भाग करके, आपको भाग के शादी करने की इजाजत है। वैसे पता है कभी कभी मेरे को लगता है ना गलती बच्चों की भी नहीं है, जैसा हमारा समाज है वैसे बच्चे बनते जा रहे हैं। समाज को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया है बच्चों ने, क्योंकि समाज तो ये कहता है ना 22 साल से ऊपर की उम्र हो जाए लड़की की, अरे अभी तक शादी नहीं करी यार बड़ी हो गई है, 25 साल से ऊपर का लड़का हो जाए अभी तक शादी नहीं करी यार, तो बच्चों ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। डियर समाज, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, हम 14 साल की उम्र में शादी करेंगे, डोंट वरी, हम कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए आयरन मैन वाली पेंसिल। अरे बस कर भाई, आउच, देख के नहीं चल सकते क्या तुम, सीधे आके टक्कर मार रहे हो, चलो सॉरी बोलो, सॉरी तू देख के चल ले बहन, वो नहीं देख के चल रहा तो। हेलो क्या सोच रहे हो भाई, भाई वो लड़की मेरे दिल और दिमाग में घूम रही है। ओहो। इसका मतलब तुम्हारे दिल में घंटी बज गई उसके लिए। हाँ, उसका दिल में तो घंटा घर है, तो जाके प्रपोज कर देना, हिम्मत नहीं पड़ रही है भाई, चल मैं चलता हूँ साथ में, चल प्रपोज कर दे, चलो भाई प्रपोज कर दे भाई जल्दी से, जाके उससे प्रपोज कर दे, ठीक है। क्या हुआ विक्की, तुमने प्रपोज किया? भाई उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अरे उसका भाई है, चल साथ में चलते हैं। सुनिए मेरा दोस्त आपसे प्यार करता है लेकिन आपसे बोलने की उसके पास हिम्मत नहीं हो रही है। भैया मैं इसी लड़की की बात कर रही थी। आपको मेरी बहन पसंद करती है। हाय बाय द वे माय नेम इज विक्की, माय नेम इज तिथि, नाइस टू मीट यू, लेट्स गो, लेट्स गो, किधर गो, किधर गो, मतलब हाय माय नेम इज विक्की, माय नेम इज तिथि, लेट्स गो, किधर किधर गो।
कुछ भी। और इतना सपोर्टिव भाई भैंस की आंख। मैंने जहां तक सुना था भाई भाई तो पैर हाथ तोड़ देते हैं। ये तो बहुत सही भाई है यार। और ये क्या कर रहे हैं, टक्कर मार के गया बंदा। तुमने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, प्यार हो गया। नहीं ये क्या क्या बॉलीवुड की मूवी चल रही है कोई? जिंदगी है भाई, असलियत की दिखाना चाह रहे थे ना तुम तो। लाइट की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं ये लोग। भैंस की किड्स नाउडेज गोदी में लेटे हैं, कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं। When I was kid. भाई हम ऐसे ही बच्चे थे भाई, हम ऐसे ही बच्चे थे। ये क्या है आजकल के बच्चों को, क्या हो गया भाई? नहीं क्या हो गया है तुम? मैं नहीं दे रही तुम्हें आयरन मैन वाली पेंसिल, तुम गंदे बच्चों। नेक्स्ट निब्बा निब्बी आफ्टर टू डेज ऑफ रिलेशनशिप। क्या तू किसका बच्चा है? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? मम्मी बच्चा मेरा बच्चा। बहुत क्यूट हो गया, बहुत प्यारी वीडियो बन गई। बहुत क्यूट हो गया यार, बहुत क्यूट हो गया। क्या बोलो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मुझे माफ कर दे आप लोग, मुझे छुट्टी दे दे। ये भगवान क्या जुल्म है। तू मेरा बच्चा है, वो मान गया। हाँ मैं तेरा ही बच्चा है, तुमने ही तो जन्म दिया है उसे दीदी। डियर 25-30 साल के नौजवानों, तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन में है? क्या कर रहे हो तुम? दिल्ली तोड़वाते रहोगे, घर भर नहीं बसाना तुम। ओके एवरीबॉडी, दैट इज फॉर टुडे गाइस। आप लोगों को वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्रदर राधे।